मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने महात्मा विदुर की धरती को नमन करते हुए कहा कि अब की बार बिजनौर लोकसभा के प्रत्याशी चंदन चौहान के सिर पर जीत का चंदन जरूर लगना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि प्रबुद्ध लोगों की बात पर जनता जनार्दन विश्वास करती है, इसलिए हमने सबसे पहले प्रबुद्ध लोगों से आशीर्वाद लेने का काम किया है। जब मैं बिजनौर को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बिजनौर के साथ न्याय होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ। पहले लोग ये सोचते थे कि मुख्यमंत्री यहां पर दोबारा नहीं आएंगे, इसके बावजूद भी मैं यहां पर दोबारा आया। यहां पर विदुर कुटी जाकर मंदिर के दर्शन भी किए। साथ ही सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बिजनौर की जब हम बात करते हैं तो बिजनौर केवल बिजनौर नहीं है, यह भारत के इतिहास की भूमि है। भारत की पहचान इस बिजनौर जनपद से बनती है। महात्मा विदुर उसके अग्रिम पंक्ति के उन ऋषि मुनियों की परंपरा में आते हैं जिन्होंने उस कालखंड में भी सच बोलने की, सत्य बोलने की हिम्मत दिखाई थी और उसके लिए उनको उपेक्षा झेलना पड़ा, लेकिन वे अपने मार्ग से विचलित नहीं थे और उस सत्य को बोलने वाली इस धरती पर जिसको मां गंगा का आशीर्वाद, यूपी के अंदर तो मां गंगा बिजनौर जनपद से ही प्रारंभ होकर के बलिया तक पहुंचती है, देश के अंदर मां गंगा का सर्वाधिक आशीर्वाद हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है और उत्तर प्रदेश को जो आशीर्वाद प्राप्त होता है इसीलिए हमने कहा भी महात्मा विदुर के नाम के ही मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए और आज मैं आपको बधाई दूंगा कि आपका मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो।